जी भैया, आप मतदान करने आए थे, आपका मतदान हो गया? जी भैया, मेरा मतदान नहीं हुआ क्योंकि मेरा वोट में लिस्ट में नाम नहीं है और मैं दो तीन साल हो गए कॉलोनी छोड़े हुए, पर मेरे घर का सबका नाम है पर मेरा नाम नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रिंकू अलेक्जेंडर। आपके परिवार में बाकी सभी का वोट आया है? हाँ, मेरे परिवार में सभी का वोट आया है, मेरे भाई का, मेरी भाभी का। मेरी बहन की शादी 2006 में हुई है पर उसकी पर्ची मेरे पास अभी भी है। आप ये देखिए, जो 2006 में शादी हो गई है उसकी पर्ची अभी आई है, जो प्रेजेंट टाइम रहता था उसकी पर्ची नहीं आई। ये बहुत गलत बात है, एक आदमी अपना वोट नहीं डाल सकता, ये बहुत गलत बात है। इससे पहले आपने कब वोट डाला? 2017 में वोट डाला था? 2017 में डाला, सभासद के चुनाव में डाला, विधानसभा में डाला, 2019 में डाला, पर 2022 में नहीं आया। इसलिए 22 में इसलिए नहीं आया क्योंकि 22 में बाईसाइकिल चलने वाली है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले लखनऊ के हैं और यहीं एलडी कॉलोनी के निवासी हैं, यहीं जन्म हुआ है, लखनऊ के रहने वाले हैं। कौन सी सीट पड़ती है ये? कौन सी? 175 लखनऊ कैंट 175। जी भैया, आप लोग मतदान करके आए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आपके मुद्दे जिनको लेकर इस बार आप मतदान करने आए थे? भैया, मुद्दा हमारा भाई विकास वाला मुद्दा, विकास हुआ नहीं, समय बदलता है, सरकार ही बदलनी चाहिए। और आपके क्षेत्र लखनऊ कैंट की क्या ऐसी समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं जिसको लेकर भी आप कह रहे हैं कि आप बदलाव करना चाहते हैं? हमारे कॉलोनी का, रेलवे कॉलोनी है, यहाँ का तो अलग ही समस्या है। यहाँ पर सड़कें वड़कें कुछ है बनी नहीं, कभी 5 साल में भी नहीं बनी, एक बार भी नहीं बनी। जी भैया, आप बताइए आपका मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप मतदान करने आए? बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय को लेकर, और आई थिंक आपको भी लगता होगा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जैसे युवा हैं तो युवाओं को कैसे मतलब प्रोत्साहित करेंगे अपने दोस्तों को, यारों को वोट करने के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना वोट अवश्य डालें सब लोग, जा जाकर जिसका जिसका भी वोट आया है, जिसका जिसका भी, अपना वोट ज़रूर डालें। और आप अपने वोट, आपका अधिकार है और उसका पूरा पूरा उसका फ़ायदा उठाइए। आप अपना जाइए, वोट डालिए, जहां आपका मन कर रहा है उसको वोट दीजिए, जिसको आप। आपके क्षेत्र लखनऊ कैंट की क्या समस्याएं हैं, मतलब क्या मुद्दे हैं जिनको लगा आपने वोट किया? नहीं, लखनऊ कैंट क्षेत्र जो हमारा है, हम तो ये रेलवे कॉलोनी है, इससे तो कोई मतलब हट करे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बाकी रोडें वगैरह हमारी सही हैं, कानपुर रोड की, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है, वो सब सही है। बाकी सबसे बड़ा बेरोजगारी और विकास, हमारा लखनऊ पहला जैसा नहीं है। जी भैया, आप लोगों के क्या मुद्दे थे जिसको लेकर आज आप मतदान करने के लिए यहाँ पर आए? देखिए, मुद्दा हमारा जो मेन है वो है बेरोजगारी, और सबसे ज़्यादा समस्या महंगाई है, जो सबसे बड़ी समस्या है। प्राइवेट नौकरी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है हम लोगों की, परिवार पालना मुश्किल हो गया है इस समय, बहुत हालत ख़राब है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है, घर का राशन कुछ भी ले आओ, हालत इतनी ख़राब है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है भैया। महंगाई के अलावा आपके क्षेत्र लखनऊ कैंट के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदान कर रहे हैं? नहीं, लखनऊ क्षेत्र कैंट में आप देखिए ना, कोई भी विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, कोई भी काम ही नहीं हुआ, क्या बता दें हम आपको सारे मुद्दे। अभी जहाँ आप कॉलोनी में खड़े हो, यहाँ हालत देख लीजिए, कॉलोनी की नाली सड़क सबकी हालत देखिए आप, किस तरह से हालत है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। और फिर ये काम तो खैर कोई भी नेता आएगा करेगा नहीं करेगा, लेकिन भैया सबसे पहले बेरोजगारी और महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी हाल में।